ये देखिए दोस्तों, ये सामने है हमारे, यही है दोस्तों इंगटोंग कंपनी है, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। कंपनी काफ़ी बड़ी है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये कंपनी का दूसरा गेट है, तो चलिए हम चलते हैं अभी मेन गेट के पास। तो ये मेन गेट है दोस्तों। दोस्तों आप जब भी ज्वाइनिंग के लिए आए तो आपको इसी गेट पर आना पड़ेगा अपना रिज्यूम लेकर। तो दोस्तों ये मेन गेट है, तो आइए अपना रिज्यूम लेकर और इंटरव्यू दीजिए, इसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा दोस्तों आसानी से, और जॉब करिए दोस्तों। तो इस कंपनी के बारे में और जानकारी हम लेते हैं। हमारे एक मित्र हैं समेंद्र यादव, ये इस कंपनी में काम कर चुके हैं, 6 महीने से 7 महीने तक काम किए हैं इसमें। तो अब हम इन्हीं से जानते हैं इस कंपनी के बारे में, क्या इन्होंने किस प्रकार से ज्वाइनिंग लिया और इस कंपनी में क्या क्या फैसिलिटियाँ हैं और इस कंपनी में क्या बनता है। तो समेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। तो समेंद्र जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने फर्स्ट टाइम इस कंपनी में जॉब कैसे, किस प्रकार से आपने ज्वाइनिंग लिया था? यहाँ पे गेट से भर्ती होती है, गेट पे आया तो ज्वाइनिंग हुई थी गेट से। तो ज्वाइनिंग करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या लगती है यहाँ पर? 10 इंटर ITI। तो इस कंपनी में कंपनी बेस पे ज्वाइनिंग होता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर बेस पे? कॉन्ट्रैक्टर बेस पे, पहले कॉन्ट्रैक्टर बेस पे होता है। यदि हम कंपनी बेस पे ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए ईमेल आईडी पे हम संपर्क कर सकते हैं, या फिर कभी कभी कंपनी बेस पर भी ज्वाइनिंग चलती है। तो हम जानना चाहते हैं इस कंपनी में फैसिलिटी क्या क्या, कैंटीन की सुविधा है और बस की सुविधा है कि नहीं? बस सुविधा नहीं है, कैंटीन फ्री है। कैंटीन में खाना बिल्कुल फ्री है? कैंटीन में खाना बिल्कुल फ्री है। जो कैंटीन का जो लंच का टाइम है वो कितने मिनट का है? 1 घंटे का। 1 घंटे का? तो दोस्तों इस कंपनी में जो लंच का टाइम है 1 घंटे मिलेगा आपको लंच करने के लिए। तो और इस कंपनी में कितने शिफ्ट में काम होता है? 2 शिफ्ट में। 2 शिफ्ट में, और दो शिफ्ट में, एक नाइट और एक डे। जनरल शिफ्ट में। डे शिफ्ट में आप कितने बजे से इस कंपनी में काम चालू होता है? 9 से। 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ओवर टाइम 4 घंटे रहता है। हाँ, तो जो ओवर टाइम होता है 4 घंटे, वो ओवर टाइम डबल मिलता है या फिर सिंगल है? ओवर टाइम डबल मिलता है। ओवर टाइम दोस्तों इस कंपनी में डबल मिलता है, आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड है कि आपकी 1 घंटे की सैलरी कितनी है, उसी हिसाब से आपको ओवर टाइम दिया जाता है। तो और हम जानते हैं कि इस कंपनी में बनता क्या है? इस कंपनी में ईयरफोन, डाटा केबल। तो इस कंपनी में डाटा केबल और ईयरफोन बनता है, तो इसमें लाइन चलती है, कन्वेयर चलता है, या फिर मतलब ऐसे ही खड़े होकर काम करने पड़ते हैं? नहीं, बैठकर काम करना पड़ता है, इसमें कन्वेयर चलते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, मोल्डिंग में जो काम करते हैं मोल्डिंग लाइन से, उन लोगों को 1000 और एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा, जो लोग मोल्डिंग लाइन पे काम करते हैं उनको 1000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलता है। तो इस कंपनी में लड़के और लड़कियाँ दोनों काम करते हैं या फिर केवल लड़के? नहीं, दोनों लड़के और लड़कियाँ दोनों काम करते हैं। अच्छा, तो काम हार्ड वर्क है या फिर नॉर्मल है, सब लोग कर लेंगे आसानी से, या फिर बहुत हार्ड वर्क है? नहीं, हार्ड वर्क नहीं है, ज़्यादा आसानी से काम करते हैं, बैठकर काम करने लायक है। अच्छा, तो इस कंपनी में बैठकर काम करते हैं सब, लाइन चलती है, बहुत ही नॉर्मल वर्क है। तो दोस्तों हम जानते हैं, तो समेंद्र जी हमें ये बताइए कि मतलब इस कंपनी में लंच होता है केवल 1 घंटे का, उसके बाद टी ब्रेक होता है कि नहीं होता है? टी ब्रेक नहीं है। तो 8 घंटे के शिफ्ट में टी ब्रेक नहीं है, केवल लंच है। यदि ओवर टाइम चलता है तो उसके बाद टी ब्रेक मिलता है कि नहीं? ओवर टाइम के बाद मिलता है टी ब्रेक। जब ओवर टाइम चलेगा तो टी ब्रेक मिलेगा। तो समेंद्र जी बताइए कि इस कंपनी में और क्या क्या खूबियाँ हैं? इस कंपनी में अगर आप सही से हो, कोई आपको सही से काम कर रहे हैं तो कोई नहीं बोलेगा, अच्छे बिहेवियर सब लोग करते हैं। अच्छा, तो इसमें मतलब ऑन रोल होने के लिए, परमानेंट होने के लिए कितना समय देना पड़ता है? कम से कम 1 साल। 1 साल अच्छे से काम किए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किए हैं, और सुपरवाइजर से, लाइन लीडर से अच्छे से बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो लोग नाम आपको HR में देंगे, तो आप कंपनी बेस पे हो जाएंगे। तो इस कंपनी में आप कंपनी बेस होने का भी चांस मिल जाता है परमानेंट होने का। तो यदि आप 1 साल इसमें काम करते हैं और आपका बिहेवियर अच्छा है तो आप इस कंपनी में बहुत ही आसानी से परमानेंट भी हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि आपकी सैलरी क्या थी, ITI वालों की सैलरी क्या मिलती है इसमें? ITI वालों की सैलरी है 9800। और जो 10+2 वाले हैं उनकी सैलरी कितनी है?
9000 सैलरी काट पीट कर मिलता है या फिर उसी में से कटता भी है? पीएफ उसमें से कटेगा, उसमें से 1000 पीएफ भी कटेगा? हाँ पीएफ कटता है 300 एसआई। तो इसमें आप वर्क करके हाईएस्ट सैलरी कितना उठा सकते हैं? 18000 तक उठा सकते हैं महीने का। आप इस कंपनी में दोस्तों 18000 रुपये तक ओवर टाइम लगा कर इसमें सैलरी उठा सकते हैं। क्या इसमें अटेंडेंस अवार्ड भी मिलता है? हाँ 1000 अटेंडेंस अवार्ड है। अच्छा दोस्तों, तो आप यदि महीने का 26 ड्यूटी करते हैं तो आपको इसमें कंपनी अटेंडेंस अवार्ड भी प्रोवाइड करती है और इस कंपनी में साप्ताहिक छुट्टी भी मिलती है संडे को। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत ही बड़ी है। तो दोस्तों हमें समेंदर जी ने इस कंपनी के बारे में जो भी बातें बताई उसके लिए हम थैंक यू करते हैं। तो थैंक यू समेंदर जी। थैंक यू। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसके लोकेशन का लिंक। आप यहाँ पर आकर इंटरव्यू दीजिए, अपना रिज्यूम लाइए हाई स्कूल इंटरमीडिएट का, और यहाँ पर गेट से ही मतलब कॉन्ट्रैक्टर बेस पे भर्ती चलती रहती है। तो दोस्तों और भी मतलब यदि आपको कोई क्वेश्चन हो इस कंपनी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम इस चैनल पर नए नए वीडियो लाते रहेंगे इस प्रकार से कंपनियों का, तो आपके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग लेने के लिए। तो दोस्तों अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।